यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अहाला माहुल राजापुर माफी दिन दहाड़े गोवंश काटते देख ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त। आजमगढ़ अहाला के माहुल पुलिस चौकी क्षेत्र के राजापुर माफी गांव में रविवार को दिन दहाड़े गोवंश काटते देख ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया। ग्रामीणों के दौड़ाने पर पशु तस्कर अपने काटने के औजार सहित कटे गोवंश को छोड़कर भाग गए। दिन दहाड़े हुई इस घटना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरुण कुमार दीक्षित, क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र कुमार शुक्ल सहित भारी संख्या में पुलिस बल ने छापेमारी अभियान चलाकर भागे हुए तीन पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। माहुल पुलिस चौकी क्षेत्र के राजापुर माफी ग्राम सभा और माहुल कस्बे की सरहद मिली हुई है। उसी सरहद पर एक पोखरा है। उसी पोखरे के भीटे पर पेड़ों के झुरमुट के बीच तीन पशु तस्कर गोवंश को काट कर उसके चमड़े को अलग कर चुके थे। उसी बीच खेतों में धान की रोपाई कर रही गांव की महिलाओं की नजर उस पर गई और वे शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद भारी संख्या में ग्रामीण दौड़ पड़े, जिसे देख गोवंश काट रहे तीनों पशु तस्कर भाग गए। दिन दहाड़े हुई इस घटना से ग्राम प्रधान ब्रजेश यादव की अगुवाई में ग्रामीण आक्रोशित हो गए और माहुल चौकी के सिपाहियों पर पशु तस्करों से मिलीभगत करने का आरोप लगाते हुए इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य को मोबाइल के माध्यम से दिया। उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरुण कुमार दीक्षित, सीओ सगड़ी महेंद्र कुमार शुक्ला, थानाध्यक्ष अहोला सुनील कुमार दुबे सहित भारी संख्या में पुलिस बल ने माहुल कस्बे के कुरैशी मोहल्ले में छापेमारी कर दो पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार पशु तस्कर जाकिर कुरैशी और आफताब कुरैशी माहुल कस्बे के कुरैशी मोहल्ले के निवासी है। इस संबंध में थानाध्यक्ष अहोला सुनील कुमार दुबे ने बताया कि दो पशु तस्करों जाकिर और आफताब को गिरफ्तार कर लिया गया है। बचे एक पशु तस्कर को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। माहुल चौकी के सिपाहियों की रिपोर्ट तैयार करने का दिया थानाध्यक्ष को निर्देश। आजमगढ़ दिन दहाड़े हुई गोवंश के काटे जाने के बाद माहुल पुलिस चौकी पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरुण कुमार दीक्षित से ग्रामीणों ने माहुल पुलिस चौकी के सिपाहियों की पशु तस्करों से मिले होने का आरोप लगाते हुए जमकर शिकायत की। भाजपा नेता सुजीत जायसवाल आंसू ने यहां तक कह दिया कि क्षेत्र में आए दिन पशु काटे जा रहे। इसकी सूचना सिपाहियों को ग्रामीण कई बार दे चुके हैं पर कोई कार्यवाही नहीं होती। जिस पर अपर पुलिस अधीक्षक ने चौकी प्रभारी माहुल और थानाध्यक्ष अहोला सुनील दुबे और चौकी प्रभारी माहुल लाल बहादुर बिंद को ऐसे सिपाहियों को चिन्हित कर रिपोर्ट प्रेषित करने को कहा। आजमगढ़ अंबारी से रेशमा चौहान की खास रिपोर्ट।